अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पर आप सबका वार्मली वार्मली वेलकम। मेरे चैनल का नाम है ऑब्सक्योर ब्यूटी ब्लॉग, जिसका मतलब है छुपी हुई खूबसूरती। हम मेरे चैनल पर आप सबको ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो वाकई ही आपकी छुपी हुई खूबसूरती को वो वाजिया कर दें। मेरे चैनल पर आप सबको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, DIY एंड मेकअप से रिलेटेड वीडियोज़ मिला करेंगी। मैं आपके साथ जो भी प्रोडक्ट्स का रिव्यू शेयर किया करूँगी वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ करेगा, और वो एकदम 100% ही हुआ करेगा। मैं आपके साथ जो प्रोडक्ट्स का रिव्यू शेयर करूँगी वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स से रिलेटेड ही हुआ करेगा, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की लवर हूँ। मेरे जैसी लड़कियाँ बहुत सारी ऐसी हैं जिनको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो इन प्रोडक्ट्स से बहू वाकिफ भी होंगी, इस ब्रांड से बहूबी वाकिफ भी होंगी कि उसमें कोई ऐसा केमिकल्स हार्श किस्म का यूज़ नहीं किया जाता जो कि हमारे स्किन को नुकसान पहुँचाए, हमारी स्किन को डैमेज करें। हम जब ड्रग स्टोर से कोई केमिकल्स वाली चीज़ें लेते हैं तो वो हमारी स्किन को एकदम से इन्हेंस तो कर देता है, हमारी स्किन को फ्लॉलेस भी कर देता है। हमारी स्किन में से जो जो हमें प्रॉब्लम होती है, जैसे हाइपर पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस वगैरह, उसको क्लियर तो कर देता है लेकिन वक्ती तौर पर करता है, लेकिन उसके बाद हमारी स्किन को जो उसके नुकसान उठाने पड़ते हैं वो आप पूछें ही मत। और बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी भी होंगी जो इस एक्सपीरियंस से गुजर चुकी होंगी, और जो लड़कियाँ यूज़ कर रही हैं तो मेरी उनसे एक ही गुजारिश है कि प्लीज़ खुदारा वो आज जो यूज़ कर रही हैं कि प्लीज़ उसको अवॉइड कर दें। अपनी स्किन के साथ प्लीज़ मत खिलवाड़ करें, अपनी स्किन के साथ प्यार करें। आप जैसी भी हैं, खूबसूरत हैं, अपने साथ आप जब प्यार करेंगी तो सब आपके साथ प्यार करेंगे। अपनी स्किन का बस ख्याल रखें, उसको हेल्दी रखें, क्योंकि हेल्दी स्किन ही आपकी खूबसूरत लगेगी, ना कि वाइट कलर की स्किन आपकी खूबसूरत लगेगी। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ किया करें, वो आपकी स्किन को एक दो टोन ज़रूर उसको क्लियर कर देगी। आपकी स्किन पे जो पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन या किसी भी किस्म का कोई नुकसान जो आपकी फेस पर हुआ हुआ है हेल्थ के रिलेटेड, या आपने कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ की है कि जो आपकी स्किन को उसने नुकसान दिया है, तो वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अगर अपनी स्किन का आप ख्याल रखेंगी, अपनी स्किन केयर का ख्याल रखेंगी, तो इंशाल्लाह वो भी ज़रूर केयर करेंगी तो वो भी दूर हो जाएंगी। मेरे चैनल पर जो आपको प्रोडक्ट का रिव्यू मिलेगा वो थंबनेल से तो आपने उसको देख ही लिया होगा, जो है एक्ने फाइटर। बहुत सारी टीन गर्ल्स ऐसी हैं जो बहुत परेशान हो रही होंगी कि उनको उनके फेस पर पिंपल्स निकल आई हुई हैं, या 20 से अबव लड़कियां जिनके फेस पर बहुत सारे पिंपल्स निकलते हैं वो परेशान हो गई हैं मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स यूज़ कर करके, लेकिन उनको कोई भी इससे फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। लेकिन मैं अपनी उन बहनों से यही कहूंगी कि प्लीज़ आप परेशान होना छोड़ दें और मेरी ये वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए। एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करें, जब मेरे फेस पर बहुत सारे पिम्पल्स हो गए थे और मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही थी पिम्पल्स के लिहाज से, लेकिन मुझे कोई उससे फ़ायदा नहीं पहुँच रहा था, लेकिन जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया वो एकदम से 100% है, वो आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं देगा, उसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं किया गया, ये भी एकदम से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। ये इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए वो 100% पैराबिन फ्री हैं, और इसमें जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो यही है कि ये पैराबिन फ्री है। जो प्रोडक्ट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो ये है लसेनिया का ट्री ट्री फेस क्लिनजिंग शैम्पू। फेस क्लिनजिंग शैम्पू आपने घबराना नहीं है, ये फेस के लिए है और ये पैराबिन फ्री है, और इसकी जो डेट एक्सपायरी है वो साथ पे मेंशन की गई है, जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी साइड पे हैं। अगर हम इसकी पैकेजिंग की बात कर लें तो इसकी पैकेजिंग जो सी है वो है प्लास्टिक जार की, और जो बहुत अच्छी है, ये ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसको कहीं भी ले जाए। इसमें जो हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं वो है 2 10 ml, इसकी एक्सपायरी डेट भी साथ में मेंशन की गई है, इसके इंग्रेडिएंट्स भी साथ में मेंशन किए गए हैं, और ये ओपन होने के बाद 6 मंथ तक आप इसको यूज़ में ला सकते हैं, और जो मैन्युफैक्चरर है इसकी वो है तुर्की, और इसकी जो हम इंग्रेडिएंट्स है और जो इसकी जो सारी डिटेल दी गई है वो आप वो मैं दिखा रही हूँ कि वो साइड पर मैंशन है। और सबसे अच्छी बात मुझे जो इसकी इस प्रोडक्ट की लगी है वो ये है कि ये ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिहाज साथ साथ ये सेंसिटिव और ड्राई स्किन के लिए भी बेस्ट है। इसके ऊपर लिखा हुआ है ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए, लेकिन मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और सेंसिटिव है, मैंने जब इसको यूज़ किया मुझे इससे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा, मेरी स्किन को इसने कोई हार्श नहीं पहुँचाया, मेरी स्किन को इसने डैमेज नहीं किया, इसने मेरे पिम्पल्स जो मेरे फेस पर एक्टिव हो गए थे उसने उसको स्लो डाउन कर दिया। और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये पैराबिन फ्री है, जो मुझे सबसे अच्छी इसकी बात लगी है।
पैराबिन फ्री वो इसलिए है क्योंकि ये झाग नहीं बनाता। और इसकी जो सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें कोई ऐसा केमिकल यूज़ ही नहीं किया गया जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाए। और ये फेस शैम्पू जो आपके लिए मैं कहती हूँ कमाल है कमाल। इसकी जो फ्रेगनेंस है वो थोड़ी सी हार्श है, वो इसलिए क्योंकि इसमें ट्री ट्री ऑयल यूज़ किया गया है। इसकी हम पम्प की बात करें तो ये स्टॉप एंड ऑफ का इसमें उन्होंने लॉक दिया हुआ है। हम इसको कहीं भी अगर लेके जाएं या हमें भूल जाए तो ये हम इसको हम लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। इस तरफ से ऑन हो जाएगा और दूसरी साइड से ये ऑफ़ हो जाएगा। इसको यूज़ करने के बाद हम इसको ऑफ़ कर देंगे। इसको जब हमने यूज़ करना है तभी हमने इसको ऑन करना है, वो इसलिए क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है वो मेरे लिहाज से तो बहुत इनफ है। आपके 4 to 5 month ईजिली गुजर सकते हैं आप इसको ट्वाइस अ डे यूज़ करें। मेरी तरफ़ से आपको ये टोटली रिकमेंड है। ये थोड़ी सी अमाउंट में ही यूज़ किया जाता है और वो आपकी स्किन को एक नीट कर देता है। और आपकी जो ट्री ट्री इसमें यूज़ किया गया है वो बहुत अच्छा। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है और ये रनिंग फॉर्म में है। और ये इतनी सी ही क्वान्टिटी आपके फेस के लिए इनफ है। और थोड़ी सी क्वान्टिटी लेके आपने फेस पे जेंटली इसको रब करना है और इसकी झाग नहीं बनती। आपने परेशान नहीं होना क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला ये पैराबिन फ्री है। जिस जिस प्रोडक्ट में केमिकल्स ना यूज़ हों उसमें पैराबिन लाजमी साथ में मेंशन किया जाता है कि वो पैराबिन फ्री है। पैराबिन फ्री में आप फेस पर जो केमिकल्स होते हैं वो पैराबिन फ्री ही होने चाहिए क्योंकि वो हमारी फेस के लिए एकदम से 100% क्लियर होते हैं। अब मेरे जब फेस पे पिंपल्स थे तो मैं इसको डे एंड नाइट दोनों में यूज़ करती थी, तो लेकिन मुझे इसने बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिए हैं। मेरी स्किन एकदम से क्लियर हो गई। मुझे तो ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है और मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इसको ज़रूर बाय करें। इसको मेरी रिकमेंडेशन पर आप लोग इसे बाय करें और अपनी स्किन केयर में इसको ज़रूर एंटर करें। अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये सेंसिटिव स्किन भी ईजिली यूज़ कर सकते हैं, अगर वो यूज़ करें तो प्लीज़ काइंडली मेरी उनसे यही गुजारिश है कि वो इसका थोड़ा सा पैच टेस्ट लाजमी कर लें क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी स्किन पे जो केमिकल हम लगा रहे होते हैं वो सम टाइम नहीं भी हमें सूट कर रहे होते हैं। इसकी डेट एक्सपायरी जौन सी है वो साथ मेंशन की गई है। आप इसको बग़ैर खौफ के इस्तेमाल करें। ये आपके 2 से 3 साल इजीली निकल सकते हैं। जब आपके फेस पर पिंपल्स एक्टिव हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आपके फेस पर ये पिंपल्स चले जाएं तो आप इसको मत यूज़ करें। बेशक यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं तो आपको यही बोलूँगी बार बार कि आप इसे ज़रूर लें। मुझे ये बहुत पसंद आया, यकीन माने जब से मैंने इसे यूज़ किया है मेरा तो इस पर दिल आ गया है कि वाकई में कोई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे स्किन को बग़ैर किसी नुकसान के हमें फ़ायदा दे सकते हैं। टीनेज की लड़कियां तो इसे मस्ट यूज़ करें क्योंकि उनके फेस पर हार्मोन्स की चेंजिंग की वजह से बहुत सारे पिम्पल्स एक्टिव हो जाते हैं, वो परेशान हो जाती हैं, तो वो ले कर अपने कॉलेज में भी जा सकती हैं। और इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ जो इसके जो रेट मैं दूंगी वो यही होंगे कि 10 में से मैं इसको 7 दूंगी। और मैं आपसे यही बोलूंगी कि आप इसको मेरी रिकमेंडेशन पर ज़रूर इस्तेमाल करें बिल्कुल बग़ैर खौफ के। अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद।